कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र में नवीन जिंदल की जीत का दावा कर रही भाजपा ने चुनावी गतिविधियों को तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी संगठन और प्रकोष्ठ सक्रिय हो गए हैं। भाजपा के चुनावी लोकसभा कार्यालय में संगठन की मैराथन बैठकें चल रही हैं। भाजपा ओबीसी मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक मोर्चा प्रदेश महामंत्री देवेंद्र पंचाल की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में 28 अप्रैल को पिहोवा विधानसभा में आयोजित ओबीसी सम्मेलन पर ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष और कार्यकारिणी ने विचार विमर्श किया। ओबीसी मोर्चा प्रदेश महामंत्री देवेंद्र पंचाल और फूल सिंह पाल ने दावा किया कि ओबीसी वर्ग भाजपा के साथ है। 28 अप्रैल को पिहोवा में आयोजित होने वाला ओबीसी सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। इसके लिए भाजपा ज्योतिषर मंडल के BALA2 की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई, जिसमें भाजपा थानेसर प्रभारी रविंदर सांगवान, ज्योतिषर मंडल अध्यक्ष रमेश सैनी, पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष साहिल सुधा, ज्योतिषर मंडल प्रभारी पूर्व चेयरमैन देवी दयाल घराड़सी, लोकसभा कार्यालय प्रमुख सुशील राणा समेत मंडल के BALA2 मौजूद रहे। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वैसे पहले तो आपके चैनल का कुरुक्षेत्र मीडिया का तहदिल से स्वागत करते हैं। आज मैं कुरुक्षेत्र में आया हूं और ओबीसी मोर्चे ने पूरे हरियाणा में विधानसभा ओबीसी सम्मेलन तय किए गए हैं, जिसमें भारी संख्या में बड़े सम्मेलन हर विधानसभा में ओबीसी सम्मेलन जिनमें ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान में हो रहे हैं। और आज थानेसर विधानसभा की बैठक में मेरा आना हुआ और सभी तैयारियों के लिए जायजा लिया गया और 28 तारीख को पेहवा में बहुत बड़ा ओबीसी सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें माननीय हमारे संदीप सिंह जी, हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा के उम्मीदवार नवीन जिंदल जी, भाई कर्णदेव कंबोज जी प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, भाई मदन चौहान जी जो लोकसभा कुरुक्षेत्र देख रहे हैं और पूर्व में मेयर यमुनानगर, और भारी संख्या में ओबीसी में इस सम्मेलन को लेकर उत्साह है। कितने लोग आएंगे, कहाँ सम्मेलन होगा, स्थान वगैरह क्या होता है, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे? ये पूरी विधानसभा का सम्मेलन है, पेवा विधानसभा का, और पूरी विधानसभा के ओबीसी के लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। लगभग 2 से 2.5 हज़ार की संख्या का सम्मेलन पेवा में होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका लोकसभा के चुनाव कार्यालय में पहुँचने पर आपका स्वागत करता हूँ और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे ओबीसी मोर्चा ने जो प्रदेश से हमें जो जिम्मेवारियां दी हैं, हमारे ज़िले में 4 विधानसभाएं हैं, चारों विधानसभाओं में एक एक ओबीसी मोर्चे का सम्मेलन होना है और ये सम्मेलन 2 से 2.5 हज़ार की संख्या में होना निश्चित हुआ है। इसी कड़ी में हमारी पेवा की डेट फाइनल हो गई है, जो कि 28 अप्रैल शाम 4 बजे लोकसभा का जो चुनाव कार्यालय है उसमें निश्चित हुई है, जिसमें हमारे प्रदेश स्तरीय नेता, जिला स्तरीय नेता, हमारे प्रभारी लोकसभा के समन्वयक जो सभी विद्यमान रहेंगे और जो हमारी टीमें हैं, हमारे मंडल की टीमें, हमारी जिला की टीमें, सभी इस सम्मेलन को कामयाब करने में लगी हुई हैं। उसी की कड़ी में आज हमारी यहाँ थानेसर विधानसभा की मीटिंग हुई, माननीय साहिल सुधा जी उसमें साथ थे, हमारे प्रदेश के महामंत्री आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के तौर पर मीटिंग लेने के लिए पहुँचे, वो हमारे बीच उपस्थित थे। अभी हम लाडवा के लिए जा रहे हैं, हमारे वहाँ जो हमारे विधानसभा का कार्य देख रहे हैं बीजेपी के डॉक्टर पवन सैनी जी, वो हमारे साथ मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। थाने शाहबाद की भी हमारी ऐसी मीटिंग हो चुकी है, वहाँ भी समय स्थान निश्चित हो चुके हैं। तो ये हमारे वो जो पार्टी ने इस क्या उद्देश्य है इन कार्यक्रमों का, पार्टी ने जो हमारे चुनाव से संबंधित जो हमारी ये वेला चल रही है, इसके अंदर हमें ओबीसी समाज के लोगों की, ओबीसी वर्ग के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो चुनावों में, उसी के संदर्भ में ये हमारे सम्मेलन होने जा रहे हैं।